गोपीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय कि अगर गुरु नहीं है तो क्या मंत्र की सिद्धि हो सकती है। आज के वीडियो में मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा जिससे अगर आपके पास गुरु नहीं है, देखो जब गुरु किसी मंत्र को देता है ना तो गुरु का वो मंत्र सिद्ध होता है, तो उसको बस एनर्जाइज करने के लिए आप बाकी की विधि और क्रियाएं करते हैं। लेकिन अगर गुरु नहीं है तो क्या मंत्र सिद्ध नहीं होगा? होता है मंत्र सिद्ध, लेकिन सिर्फ मंत्र के विधान से वो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको और भी कुछ करना होता है। गुरु का एक अपना महत्व है साधना के क्षेत्र में। गुरु वो है कि जो आप साधना कर रहे हैं उस मार्ग को वो पहले ही चल चुका है, उसको पता है कि उस मार्ग में क्या कठिनाई आएगी और किस प्रकार से आसान रूप से वो सिद्धि मिलेगी। दूसरा, जब किसी सिद्ध से आप किसी सिद्धि को लेते हैं तो एक फायदा ये भी होता है कि वो उस मुख से सिद्धि निकलती है जिसने उस मंत्र को सिद्ध कर रखा हो। मतलब गाड़ी चलाना आपने उससे सीखा जिसका गाड़ी पे कंट्रोल है, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आप जल्दी साधना प्राप्त करो। तीसरा, गुरु जब कोई साधना देता है तो आपके ऊपर उसका एक सुरक्षा रक्षा कवच रहता है। ये दो तीन कारण हैं जिसके चलते गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं विषय पर, कैसे मंत्र की सिद्धि में अगर हमारे पास गुरु ना हो तो मंत्र को सिद्ध किया जाए। देखो मैं पूरा विधान आपको अभी बताऊंगा। दो विधान है, एक तो बहुत सीधा सादा विधान है, दूसरा थोड़ा टेक्निकल लेकिन अच्छा विधान है, उसी से काम सही होता है। ये दोनों विधा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज़ समझ लो कि ये जो भी आप साधना करो है ना, उससे पहले बेसिक जितनी चीज़ें हैं साधना की वो सब आप लोगों के पास होनी चाहिए और सारी चीज़ें सिद्ध होनी चाहिए। मतलब आप मुंह उठा करके नया आसन पर बैठ के साधना कर लोगे, बोलोगे मैं यक्षिणी साधना करूँगा और वो नए आसन पर करूँगा, वो नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ साधक की सिद्ध होनी चाहिए, चाहे वो साधक का कमंडल हो, वो साधक के पहनने वाला वस्त्र हो, साधक की दिशाएं हो, साधक का बंधन हो, साधक का हवन कुंड हो, वो सब सिद्ध होनी चाहिए। तो किसी भी साधना को करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम अपनी चीज़ों को सिद्ध करना सीख जाओ, अपने चारों ओर बंधन करो। अभी दो तीन दिन पहले एक व्यक्ति नए साधक हैं, उन्होंने एक वीडियो देख करके बताया कि उन्होंने एक साधना शुरू की, उसके बाद उनके कोई गुरु थे जिनसे वो पूजा पाठ कराते थे, वो उनके सपने में आए और उनको बोला कि तुम इस अमुक मंत्र का जाप करो। देखो ये सब तब होता है जब आप बिना बंधन किए बैठते हो। दो दिन, चार दिन, छः महीने, साल भर की साधना में ऐसा नहीं होगा कि कोई पैरालौकिक शक्ति आपको आकर के आपका पूर्व जन्म का मंत्र दे दे। जब आप साधना शुरू करते हो ना तो आपके आसपास बहुत सारी लोअर डायमेंशन एंटिटीज होती है जो आपसे अट्रैक्ट होती है, उनको समझ में आता है कि आप साधना कर रहे हो। वैसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि आपको भ्रमित करते हैं आपके पद से। आपको लगेगा भाई वाह, मुझे तो सपने में किसी बहुत बड़े गुरु ने मंत्र दे दिया, लेकिन वो क्या है कि वो अपने मंत्र को आपसे सिद्ध करवाता, अपनी सेवा में आपकी सारी शक्तियों को लगा देता है। तो ऐसा एक्सीडेंट आपके साथ ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बंधन करके हमेशा बैठे। मैं हर बार बोलता हूँ अगर गुरु नहीं है तब भी बंधन करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो किस स्थिति में आपका साबर मंत्र सिद्ध होगा? अगर आपके पास गुरु नहीं है, आप बिना गुरु मुख हुए किसी मंत्र को कर रहे हैं, बिना गुरु परिवार के मंत्र को कर रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप चंद्र ग्रहण की रात्रि में या सूर्य ग्रहण के दिन में पूरे विधान को करने के बाद, उस मंत्र के पूरे विधान को करने के बाद उस मंत्र का 108 जाप करते हुए आहुति दें। ठीक है, इससे मंत्र जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। जैसे अगर आप ऐसे ही मंत्र कर रहे हैं बिना गुरु मुख से लिए तो वो मंत्र अशुद्ध माना जाता है। तो जब आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन इस मंत्र का जाप करते हुए आहुति मतलब हवन करते रहते हैं तो एक तो ये मंत्र शुद्ध हो जाता है और दूसरा इस मंत्र को ग्रहण सिद्ध बोला जाता है कि ये
मंत्र जो है ग्रहण सिद्ध हो गया। एक बार जब ग्रहण सिद्ध हो गया तो फिर से इसका पूरा जितने तरीके से इसको आपने सिद्ध किया था, जो भी मंत्र था, उसको फिर उतना ही तरीके से आपको फिर से सिद्ध करना होगा। मान के चलिए आपने 21 दिन का पहले साधना किया, तो बीच में उसको ग्रहण सिद्ध किया, तो फिर 21 दिन का आप साधना करेंगे, ठीक है, वो आपको दो बार करना पड़ेगा। इसके अलावा एक उपाय यह है कि एक मंत्र को आपने सिद्ध करना है, ठीक है, तो उसके पहले रविवार को, जब आप मंत्र सिद्ध करने वाले हैं, उसके पहले रविवार को एक कांसा का लोटा ले लीजिए या बर्तन ले लीजिए, ठीक है। उस लोटे या बर्तन में पूरा भस्म लगाइए, भस्म चिता भस्म नहीं होगी, ये हवन का भस्म हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसको एक आसन पर रखिए और उसके सामने एक तेल का दिया जलाइए। उसके बाद तेल का दिया जला करके 108 बार जिस मंत्र का आप साधना करने वाले हैं उस मंत्र को उस कांसे के लोटा के सामने जपिए, ठीक है। इसके बाद आपको एक चाहिए होगी एक 2 फीट की खैर की लकड़ी। जनरली हम लोग तंत्र में पूर्ण नंबर नहीं रखते हैं, 100-200 नहीं रखते, इसीलिए 1.25 फीट या 1.25 फीट की एक खैर की लकड़ी। खैर की लकड़ी क्या होती है, जिससे भैरव दंड बनता है, भैरव बाबा का दंड उसी का रहता है, जिससे कत्था बनता है, कत्था जो पान में लगाते हैं, तो वो खैर की लकड़ी लेनी है 2 फीट की। 100 जाप करने के बाद उस खैर की लकड़ी से 6 बार आप उस बर्तन को पीटोगे, कांसे के बर्तन को, और हर बार पीट करके बोलोगे हे मंत्र सिद्धो भवती, फिर पीटा, फिर हे मंत्र सिद्धो भवती, फिर पीटा, हे मंत्र सिद्धो भवती, ऐसा आपको 6 बार करना है। दूसरा, और उसको उसके उस आसन को हिलाइएगा, मतलब उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। दूसरा दिन जो सोमवार होगा उस दिन दाल भात सब्जी चपाती उड़द दाल का 6 बड़ा नवेद के रूप में उस भैरव मंदिर में जाकर के पूजा करिए और नवेद अर्पित करिए। नारियल का इसके बाद आपको बलि देना होगा और जो प्रसाद होगा वो अपने ना खा करके आप जो है उस प्रसाद को बच्चा लोगों को खिला दीजिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, खुद मत खाइएगा, अपने घर में मत खिलाइएगा। इससे क्या होगा, उसके बाद वो लोटा उठा लीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी मंत्र आपका है जिसको आप सिद्ध करने की इच्छा रखते हैं वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। वो कांसा का बर्तन और वो जो खैर का डंडा है वो भी भैरव बाबा के मंदिर में छोड़ दीजिएगा तो भी उत्तम है। इसके अलावा ये जब विधान आप कर लीजिएगा रविवार और सोमवार को, उसके बाद आप जिस भी इच्छित मंत्र की साधना करना चाहते हैं उस मंत्र की साधना शुरू करिए, तो आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध ऐसे भी होता है, मंत्र ऐसे भी सिद्ध होता है, लेकिन जो गुरु की कमी होती है मंत्र सिद्धि में, दूसरे वाले विधान में क्या है कि आपने भैरव बाबा को दे दिया कि अब मेरा मंत्र कैसे सिद्ध होगा ये आप जानो। अब कलयुग में भैरव बाबा जब आपका साथ दे रहे हैं किसी मंत्र की सिद्धि में, तो मंत्र सिद्ध होना तो तय होता है। कल एक वीडियो डालूंगा, वो है कि अगर आपने साधना किया हुआ है लेकिन आपको आभास नहीं हुआ, लेकिन आप चाहते हैं कि वो शक्ति आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो उसका एक साधना है 7 दिन का। वो 7 दिन की साधना मैं कल डालूंगा। आप लोगों में से जितने लोग ये पूछते हैं कि मेरी एक साधना है मुझे पता नहीं चल रहा कि वो साधना सिद्ध हुई है कि नहीं हुई है, तो उस साधना को जब मैं आपको कल वाली साधना बताऊंगा तो उसको आप लोग करिएगा 7 रात्रि तक। तो अगर आपकी शक्तियाँ प्रत्यक्ष होंगी तो वो आपको दिख जाएंगी, मतलब किसी भी रूप में सुनाई दे दिखाई दे या सुगंध हो, जो भी होना होगा वो हो जाएगा, ना हो तो फिर 0 से शुरू करके फिर से साधना शुरू कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बेसिक साधनाएं जो दिशा बंधन आसन बंधन और जो शुरुआत की साधनाएं, उसके लिए एक बेसिक ग्रुप शुरू किया है, अगर उसमें आपको जुड़ना है मेरे साथ तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, नंबर 9431188585 है। मेरा एक किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग, जिनको भूत प्रेत से बात करना वो ये किताब पढ़ें। अपॉइंटमेंट के लिए www.aghortantra.xyz पर जाइए और नीचे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए, मेरा प्रोफाइल आएगा, कॉलिंग ऑप्शन आएगा, आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश अलख आदेश।